हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त। इसमें हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू। सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या एनर्जीज इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स लियो। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 31st अगस्त। लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21st टू 31st अगस्त। लियो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। लियो देखिए, हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वॉन्स आपकी एनर्जी है, एंड हमारे पास यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना आप इनके साथ आगे लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, लाइक एक्सपैंड करना चाहते हैं। मे बी यू गाइज आर मैरिड, सो आप एक्सपैंड करके पेरेंटहुड में एंटर करना चाहते हैं। मे बी यू गाइज आर लाइक कैजुअली डेटिंग ईच अदर, सो आप एक्सपैंड करके यू वॉन्ट टू लाइक गेट इन टू दिस परमानेंट रिलेशनशिप विद देम, बट आप नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं इनके साथ, एंड लाइक यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद देम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ना चाहते हैं। एंड आई फील आप ना किसी चीज की, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है एंड आगे प्रोग्रेस करना है, ग्रो करना है, तो आप कुछ तो किसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरीके की कुछ प्रिपरेशन दिख रही है कि हाँ, अगर मुझे इस इंसान के साथ आगे लाइफ स्पेंड करनी है तो मुझे एक्स वाई जी चेंजेस करने पड़ेंगे या एक्स वाई जी प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। तो वो मुझे चीज दिख रही है कि आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, लाइक कुछ बैक कैलकुलेशन या होमवर्क भी चल रहा है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप ना थोड़ा ट्रैवल भी दिख रहा है, आप लोग शायद ट्रैवल कर रहे हैं साथ में या ट्रैवल करना चाहते हैं साथ में। क्वीन ऑफ कॉइन्स हमें बताता है कि आप काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लाइक आप इस इंसान का ध्यान रखते हैं, आप इसके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट आपको ये भी पता है कि हाँ, अगर मुझे इसके साथ लेट से शादी करनी है तो आई नीड टू बी फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली स्टेबल, लाइक आई शुड बी डूइंग गुड फाइनेंशियली। तो लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे आपकी तरफ से, लग्जरी इंपॉर्टेंट दिख रही है, हीलिंग इंपॉर्टेंट दिख रही है कि हाँ, मुझे अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है तो मुझे कोई भी अपनी पास्ट चीजों को साथ नहीं लेके जाना है, लाइक ट्रॉमास को साथ नहीं लेके जाना है। सो यू आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल कि हाँ, पैसा जरूरी है, वो एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे हील करना जरूरी है अगर मुझे अपने पास्ट पैटर्न्स रिपीट नहीं करने हैं, विच इज एन अमेजिंग थिंग, अमेजिंग थिंग। ये आपकी तरफ से फीलिंग आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 31st अगस्त। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो 21st टू 31st अगस्त नेक्स्ट 10 डेज लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स लियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए लियो, आपके जो पार्टनर है, सिक्स ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी एनर्जी है, एंड हमारे पास है जस्टिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना, देखिए सिक्स ऑफ वॉन्स है सबसे पहले तो हमारे पास, ये शायद काम में बहुत ध्यान लगा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ये रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं वो चीज बहुत अच्छी है, बट आई फील मे बी इनका जो अभी कॉन्सेंट्रेशन है, डिटर्मिनेशन है, दैट इज टुवर्ड्स देयर वर्क, बिकॉज इनको फेम मिल रहा है, लोग इनको जानना पहचानना स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी ऑफिस में इन्होंने कुछ इस तरीके से काम करा है, कोई डील क्रैक करी है जिसमें इनको सक्सेस मिला है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, और दिस सक्सेस एंड फेम कुड बी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स देयर वर्क, लाइक उसमें इनकी ग्रोथ हो रही है, काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सक्सेस पा रहे हैं अपने काम में। जस्टिस है हमारे पास, अब देखिए जस्टिस हमें बताता है कि थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहते हैं ये आपके साथ, ये चाहते हैं कि एक जो परसेप्शन है ना, चीजों को देखने का नजरिया है, वो थोड़ा सा मॉडरेशन में हो। बहुत एक्सट्रीम प्यार या एक्सट्रीम डिस्टेंस या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल या बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं, दे वॉन्ट टू डू थिंग्स इन
मॉडरेशन, बैलेंस में, कि थोड़ा मैं आगे आती हूँ, थोड़ा तुम आगे आओ, थोड़ा तुम दो कदम बढ़ाओ, थोड़ा वो दो कदम बढ़ाए, ठीक है? तो वो मुझे चीज दिख रही है इनकी तरफ से, एटलीस्ट ये चाहते हैं आपसे. ऑल्सो आई फील इनको ये चीज समझ आ रही है कि आपके साथ अगर ये रहेंगे तो इनको एक कैसे उसको मैं चीज को समझाऊं कि इनको एक जस्टिस मिलेगा. एज इन लाइक मे बी पास्ट रिलेशनशिप्स में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड विद देम, देयर पार्टनर्स हैव नॉट बीन गुड एंड इनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला है एंड यही हमेशा करते रहे दूसरे के लिए एंड कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, सो लाइफ वॉज नॉट फेयर विद देम. एंड आई फील इनको ये चीज दिख रही है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो इनको जस्टिस मिलेगा, अगर चीजें बैलेंस हो तो. बैलेंस में, मॉडरेशन में, एक दूसरे का नजरिया समझ के चीजें आगे बढ़ना बढ़ने की कोशिश करें आगे, अगर तो आपके साथ रिलेशनशिप, मैं क्यों फंबल कर रही हूँ, तो आपके साथ रिलेशनशिप इनका अच्छा बढ़ सकता है आगे. दिस इज वॉट दे फील. सो दिस इज नाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस, लाइक दिस लुक्स वेरी हेल्दी. सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 21st to 31st August सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 21st to 31st August सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 21st to 31st August सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं. देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, Pisces, Cancer, Scorpio, Ace of Cups and Taurus, Virgo, Capricorn. अब देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप की लाइफ में डेफिनेटली कोई नई शुरुआत होने वाली है when it comes to love and relationship and connection. सिंगल हैं आप, बट आपका जो कप है, जो इमोशंस वाला जो कप होता है, वो फिल होने वाला है बिकॉज समवन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ एंड गिव यू द वर्ल्ड. ये इंसान के साथ आपका जो फिजिकल इंटीमेसी होगी, आपका जो लव होगा, कनेक्शन होगा, वो सब बहुत ही प्यारा होगा एंड यू माइट गेट मैरिड टू दिस पर्सन लेटर ऑन. फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक वेरी सब प्योर फॉर्म में, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. बट एक कोई नया इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है जिसके साथ आप बहुत फुलफिल, इमोशनली कंटेंट, इमोशनली फुलफिल फील करोगे. अब हम देखेंगे हर एक जोड़ी एक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स लियो. बट उससे पहले, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं कोई बॉडी में, आपको पीसीओडी हो गया, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, इनडाइजेशन, गट इश्यूज, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, fear of abandonment, fear of isolation, not being able to fall in love, fear of not being enough, fear of not, you know, like not being able to express, ya phir lack of clarity, lack of stability, lack of confidence, lack of self-love, n number of things there are, physical as well as emotional. ये सारी चीजें इसलिए होती हैं because हमारा जो chakra होता है वो blocked होता है. So chakra balancing healing हम कर सकते हैं, which is like a distance healing technique. एंड ये हम रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर रेकी इंटेंशंस के थ्रू या रेकी सेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, नेगेटिव एनर्जीज ऑरा अफेक्ट करते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं जस्ट टू फिगर आउट ऑरा में क्या दिक्कत है एंड कौन सा चक्रा अफेक्ट हुआ है, विच मीन्स के वो चक्रा वीक है तो उस पे काम करना है. या फिर हम आपकी कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए जस्ट टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज. अब नेगेटिव एनर्जीज लैच ऑन कर गई हैं, ये कैसे पता लगेगा? तबीयत खराब होना सबसे पहली चीज है कि तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, करना है बहुत काम है बट नहीं करते, मोटिवेशन नहीं आती है. सो दैट मीन्स नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपकी खुद की एनर्जी एंड ऑरा भी वीक है, तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी दे सकती हूँ आपको. बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहें, आप पेशेंस रखें, आप डेस्परेट ना हो एंड आप बिलीव करें कि हीलिंग प्रैक्टिसेस काम करती हैं. अगर आप ये चार चीजें कर सकते हैं देन आई फील हीलिंग प्रैक्टिसेस आपके लिए हैं एंड आपको आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके,
एरीज की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बट अलग सिटी स्टेट कंट्री होने की वजह से आप दोनों का प्यार अफेक्ट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो रहा है. लव डजंट हैव टू मीन नियर. टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? यू ग्लो वी बीम. देखिए टॉरस जो है ना, इनके लिए आपकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप खुश रहोगे तो ये खुश रहेंगे, एक माहौल अच्छा बना रहेगा. सो यू बीइंग सैटिस्फाइड, यू बीइंग फुलफिल्ड, यू बीइंग कंटेंट, ये उनका पर्पस है कि आपको बस खुशी मिलनी चाहिए. ठीक है, ये टॉरस की तरफ से है. जेमिनाई की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? देखिए जेमिना एंड लियो, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ग्रेट होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास रिलेशनशिप से आपने जो भी चीजें सीखी हैं वो रिपीट ना हो. ठीक है, वो चीज थोड़ा अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस या जो भी आपके जो रिहर्सल रहे हैं वहां पे सीखा एंड देन फाइनल एक्ट है आपका ये, तो इसमें आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है. लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो से जो भी सीखा है आपने वो इम्प्लीमेंट करिए. कैंसर की क्या इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? कैंसर, दे लाइक यू, दे लाइक यू, दे फाइंड यू क्यूट, दे फाइंड यू एडोरेबल. अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं बट डेफिनेटली दे लाइक यू. लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? ओ माय गॉड, लियो एंड लियो, अगर आप एक दूसरे से डील कर रहे हैं, दोज यू लव लव यू, म्यूचुअल फीलिंग्स. आप उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स. ठीक है, तो आप को अगर कुछ डाउट था प्लीज जाके अप्रोच कर लीजिए उनको, अगर आप करना चाहते हैं तो दे ऑल्सो फील द सेम फॉर यू. वर्गो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? यू हैव व्हाट इट टेक्स. देखिए वर्गो को लगता है कि आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जिससे एक रिलेशनशिप को बढ़ाना, रिलेशनशिप को ग्रो करवाने के लिए जो चाहिए होती है वो सारी चीजें आपके अंदर हैं. ठीक है, सो यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, टू बिल्ड अ कनेक्शन, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना साथ में, ये वर्गो को लगता है. लिब्रा की इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? हब्बा हब्बा, सोल टू सोल कनेक्शन. फिजिकल रियल में, 3D वर्ल्ड में आप दोनों मिले हैं या नहीं मिले हैं, बट आपके सोल्स मिल चुके हैं एक दूसरे से स्पिरिचुअल रियल में, तो आपका सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे. स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? यी हा, देखिए आप दोनों हो सकता है फ्रेंड्स हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबल हैं या कंफर्टेबल रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सेफ स्पेस बने, कोई फॉर्मेलिटी, कोई बनावटी पना ना हो. एंड आगे जाके यू माइट, क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी दिख रही है, यू माइट लाइक टर्न इनटू लवर्स, बट डेफिनेटली फ्रेंडशिप से चीज स्टार्ट होगी एंड देन आगे बढ़ेगी. सैजिटेरियस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? सैजिटेरियस, देखिए मे बी आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसलिए वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट जस्ट टू गेट योर अटेंशन. और मे बी आप दोनों की लाइफ में थोड़ी सी बोरियत आ गई है तो इस वजह से वो चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप दोनों की कोई लड़ाई चल रही है या हो सकती है जिसमें उनको ये चीज समझ आ रहा है कि अगर मैं सेम पैटर्न्स रिपीट करता रहा तो सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, तो लेट मी डू दिस इन अ डिफरेंट वे, इस बार डिफरेंट तरीके से करते हैं ताकि लड़ाई ना हो. विच इज अ गुड थिंग. कैप्रिकॉन की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? ऑप्शंस हैं कैप्रिकॉन के पास, यू आर जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस. ठीक है, सो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मे बी ये इंसान एक दो लोगों से और बात कर रहा हो, बट नहीं, मे बी वो 10 से बात कर रहे हैं. एक्वेरियस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स लियो? पकड़ अप बटरकप. देखिए एक्वेरियस की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे. दे आर गेटिंग पुल टुवर्ड्स यू, देयर इज दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल. ठीक है, सो वो आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं. पकड़ अप बटरकप, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है. पाइसिस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशन, वाइब्स टुवर्ड्स लियो? यू हैव गॉट टाइम. देखिए किसी भी चीज में प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, बट यू हैव गॉट टाइम पाइसेस एंड लियो. तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा. जितना आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे उतना ही आप रिपेंट करेंगे उस डिसीजन को, रिग्रेट करेंगे. ठीक है, सो वो मत करिएगा. बट यस, मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लियो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.